A bulb is connected through a capacitor in an AC circuit as in the circuit. First, the bulb in the circuit glows when the frequency of the input AC voltage is omega. A circuit second is constructed by the including an inductor L as shown, keeping all the other components the same as in the circuit. First, the bulb continues to glow when the frequency of the input AC voltage is omega. Now the frequency of omega of the AC supply is changed in the both circuits while keeping the voltage amplitude constant and same in the both circuits. Explain the effect of the brightness of the bulb in each circuit. If the frequency of the input AC voltage is lowered, the frequency of input AC voltage is increased, the frequency of input AC voltage approaches zero. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको एक सर्किट ये दिया है, एक सर्किट ये दिया है, ये सर्किट फर्स्ट हो गया, ये सर्किट सेकंड हो गया। हमसे कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों सर्किट में हम एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम डिक्रीज कर दें, इंक्रीज कर दें या फिर जीरो कर दें, तो इन ये जो बल्ब हैं ये किस तरह से ग्लो करेंगे ये हमको बताना है। तो चलिए हम पहले बल्ब को बी वन कह देते हैं, ठीक है, और दूसरे बल्ब को हम बी टू कह देते हैं। अब देखिए, दिया है कि B1 और B2 बल्ब को ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पे ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी कहा गया है इसका मतलब वो बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इसको फ्रीक्वेंसी न कह के कहना चाहिए था कौन सी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट जब केवल फ्रीक्वेंसी लिखा हो, ओमेगा लिखा हो, तब भी अंडरस्टूड है कि अब वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि इस बल्ब की जो ब्राइटनेस है उस पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने घटाने से क्या फर्क पड़ता है, तभी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ब्राइटनेस बल्ब की बढ़ती कब है, जब बल्ब में फ्लो होने वाली करंट इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। अगर बल्ब में फ्लो होने वाली करंट डिक्रीज हो जाए तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है, बस इतना ध्यान रखो। अब मेन ये है बच्चों कि यहां पर जब एसी सप्लाई हमने जोड़ दी, तो देखो ये आरसी सर्किट है, तो यहां जो करंट फ्लो होगी वो मान लो क्या है, आई वन। अब आरसी सर्किट में आई वन क्या होता है सोचो भाई, यहां पे आई वन बराबर हो जाएगा वी, यहां पे वी वोल्ट दिया गया होगा, वी आर एम एस जो भी होगा, अपान इसका रेजिस्टेंस, भाई आई इज इक्वल टू वी अपान आर। बट यहां पे जो रेजिस्टेंस होता है, जब दो तरह के अलग अलग तरह के मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर इस टाइप के कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं, कंपोनेंट लगे होते हैं, तो यहां रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंपीडेंस, क्या बोलते हैं इंपीडेंस। तो इस पार्ट का इंपीडेंस कितना होगा, तो आरसी सर्किट का इंपीडेंस होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस वन अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका जो रिएक्टेंस है, इसका मतलब कैपेसिटर का अपना जो रेजिस्टेंस है इतने पार का केवल, वो होता है एक्सी, एक्सी बराबर क्या होता है, वो होता है वन अपान ओमेगा सी, क्या होता है वन अपान ओमेगा सी, तो ये बन जाएगा आई वन इसकी करंट। अब सिंपल सी बात है, अगर इसकी करंट बढ़ गई तो बल्ब में ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, अगर आई वन कम हो गया तो बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। सेम ऐसे यहां देखिए भाई, जब यहां से हमने वोल्ट लगाया तो क्या होगा, ये दोनों कैसे हैं दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो आपस में इनमें सेम जाएगा, खैर उससे भी हमारा मतलब नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ हम कहते हैं करंट आई वन गई, यहाँ पे करंट कितनी गई आई वन, ठीक है, यहाँ आई वन वहाँ मान चुके हो तो इसको हम कह देते हैं आई टू गई, यहाँ मान लेते हैं करंट कितनी गई आई टू गई, तो अगर यहाँ करंट आई टू गई है और ऊपर वाले सर्किट में करंट आई थ्री गई, ठीक है, तो सोचो आई थ्री की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां अगर वोल्टेज वही वी आर एम एस आया है तो यहां की करंट आएगी आई थ्री बराबर वी आर एम एस अपान आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। क्यों, क्यों भाई, क्योंकि आई इक्वल टू वी अपान जेड, तो इस पोर्शन का जेड लेंगे, ये आ गया हमारे पास, जबकि अगर आई टू निकालना होगा तो आई टू कितना निकलेगा बताओ जरा, वी आर एम एस अपान इसके रिएक्टेंस, इसका रिएक्टेंस कितना है वन अपान ओमेगा सी, ये आई टू आ गया। अब हमको पता है कि यहां इस बल्ब में, सेकेंड बल्ब में कब करंट
का मतलब इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी जब इसकी करंट यानी कि आई थ्री बढ़ेगी। जब आई थ्री घट जाएगी तो इसकी ब्राइटनेस भी घट जाएगी। कि जो आई थ्री है ठीक है, ये कैसे घटेगी या बढ़ेगी इसके हिसाब से इसकी ब्राइटनेस और इस आई वन की वजह से इसकी ब्राइटनेस को डिसाइड करते हैं। जैसे पहला केस हमसे कह रहे हैं बच्चों, फर्स्ट केस क्या कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज लोअर्ड। ठीक है, देखिए बच्चों जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो फॉर सर्किट फर्स्ट, पहले सर्किट की बात करो तो पहले सर्किट में देखो जब ओमेगा डिक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों, डिक्रीज नीचे एरो का मतलब कम हो गया, डिक्रीज हो गया। जब ओमेगा डिक्रीज होगा तो जो एक्सी है ये क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, मतलब 1/ωc इंक्रीज कर गया कुल मिला के। क्यों? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू घटेगी तो वैल्यू बढ़ेगी। और जब 1/ωc बढ़ गया तो बच्चों देखो करंट I1 पे क्या फर्क पड़ा होगा भाई, हैं? सो I1 बराबर क्या आएगा, Vrms/R² + 1/ωc². अब देखो बच्चों जब यहां पे 1/ωc बढ़ गया, देखो ये नीचे ये वाली वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, यहां से पता चल रहा ना, क्योंकि ओमेगा घट गया तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। जब ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आर के साथ जुड़ के ये वैल्यू थोड़ा बढ़ी आएगी पहले से, तो जब ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है इसका मतलब नीचे की वैल्यू बढ़ गई, वी तो उतना ही रहा, ये वैल्यू नीचे वाली बढ़ गई, और जब ये वैल्यू बढ़ गई इसका मतलब जो करंट है वो डिक्रीज हो गई। सो I1 डिक्रीज, यहां से क्या पता चला, I1 की वैल्यू डिक्रीज। क्यों? क्योंकि देखो ओमेगा घटा, ओमेगा के घटने से एक्सी बढ़ा, क्योंकि एक्सी बराबर क्या है 1/ωc, इसका मतलब 1/ωc बढ़ गया है। अब 1/ωc बढ़ गया तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो गई, तो जब सोचो वी तो सेम है और नीचे जो डिनोमिनेटर था वो बढ़ गया तो इसका मतलब टोटल आंसर क्या होगा, घटेगा, तो यहाँ पे जो करंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और करंट के कम होने का मतलब बल्ब B1 ग्लोज विद लो ब्राइटनेस, तो B1 ग्लोज विद लो ब्राइटनेस या डिमर कह सकते हैं, B1 जो है वो थोड़ा कम ब्राइटनेस से जलेगा, थोड़ा धीरे धीरे जलेगा। ये पहला आया पहले सर्किट से। अब दूसरे सर्किट में देखो बच्चों, इसी केस के लिए उसमें जब ओमेगा को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा बच्चों, जरा बताओ हमको, ओमेगा जब डिक्रीज होगा समझो तो क्या होगा, ये वैल्यू इसका जो रेजिस्टेंस है एक्सी वो क्या आता है 1/ωc, तो जब नीचे वाली वैल्यू घटेगी तो टोटल आंसर इसका बढ़ेगा, इसका मतलब 1/ωc जो है ये क्या बन जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब 1/ωc इंक्रीज कर जाएगा तो जब यहां वैल्यू बढ़ेगी है तो इसकी जो करंट I2 है वो क्या हो जाएगी बच्चों बताओ, I2 की वैल्यू यहां पे डिक्रीज हो जाएगी। देखो I2 वैल्यू क्या होगी, यहां पे डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई। अब I2 आएगा कितना बताओ हमको, I2 आएगा V/1/ωc, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो ये वैल्यू क्या होगी बच्चों जरा बताओ, ये वैल्यू हमारे पास बढ़ गई है तो I2 वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि I2 डिक्रीज हो गई। जबकि इसमें यही बात देख लो, इसमें यही बात देखो बच्चों, ओमेगा के डिक्रीज होने से ठीक है, ऊपर वाले सर्किट की बात करते हैं, I3 की बात करते हैं, क्या होगा XL जो आएगा यहां पर रिएक्टेंस इंडक्टर का, ये होता है ओमेगा L, तो ये क्या होगा, जब ओमेगा बढ़ेगा तो XL भी बढ़ेगा, ओमेगा के डिक्रीज होने से जो XL है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा ओमेगा L है, XL घटेगा डिक्रीज होगा, इसका मतलब ओमेगा L भी डिक्रीज होगा, भाई वही तो है ठीक है। जब ओमेगा L घटेगा तो सोचो यहां पे जो I3 थी है, सो करंट I3 बराबर क्या थी, Vrms/R² + ωL² वो भी कैसा रूट में। जब बच्चों ओमेगा L घट गया, देखो ये वैल्यू डिक्रीज हो गई तो नीचे की वैल्यू डिक्रीज हो गई, जब डिनोमिनेटर कम हो जाता है ठीक है, तो जो डिवाइड करने के बाद आंसर आता है वो बड़ा आता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे ऐसे सोचो ना 8 में 4 से डिवाइड करो कितना आंसर आएगा 2, अब डिनोमिनेटर को छोटा कर दो, ऊपर वाला तो 8 ही है और नीचे वाला छोटा हो गया, कितना हो गया मान लो 2 कर दो तो आंसर कितना आएगा 4। तो जब
डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आंसर हमेशा बड़ा आ जाता है। इसका मतलब जो आंसर है वो i3 क्या होगा, बड़ा आएगा। इसका मतलब ये होगा कि i3 यहां पे इंक्रीज कर जाएगा, और जब i3 इंक्रीज कर जाएगा इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि बल्ब b2 ग्लोज, भाई i3 बढ़ गया ना, इसमें करंट बढ़ेगी तो बल्ब तेजी से जलेगा, मतलब ब्राइटर। तो B2 जो है वो ब्राइटर हो जाएगा, ज्यादा तेज चलेगा, ठीक है। अब बच्चों हम सेकेंड केस की बात करते हैं, बी वाले पार्ट की। व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड, तो बच्चों इसमें भी वही बात है, फॉर सर्किट फर्स्ट पहले हम देखेंगे, जब ओमेगा बढ़ेगा तो फिर वही बात है, देखो जब ओमेगा बढ़ेगा तो 1/ωc की वैल्यू क्या होगी टोटल बताओ, है जब ये बढ़ गया तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो आंसर कम आएगा ना, तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और जब ये वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी 1/ωc, इसका मतलब जो करंट है, हैं सो करंट I1 बराबर Vrms/R²+1/ωc का होल स्क्वायर। और जब हम देख रहे हैं बच्चों यहां पे कि ये 1/ωc, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गई बच्चों बताओ, ये डिक्रीज कर गई, ठीक है। तो जब ये वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी, करंट क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो I1 इंक्रीज, और जब I1 इंक्रीज हो जाएगी यहाँ बल्ब में करंट ज़्यादा जाएगी तो बल्ब क्या होगा, ज़्यादा तेज जलेगा। इसका मतलब बल्ब B1 ग्लोज ब्राइटर, B1 ग्लोज ब्राइटर, ठीक है। अब देखो बच्चों इस सेकेंड वाले में बात करते हैं, तो वैसे तो हम देख रहे हैं कि इसकी अपनी करंट का इससे बहुत ज्यादा मतलब है नहीं यहां पे, फिर भी कर लेते हैं, दोनों में चेंज देख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर सेकेंड सर्किट देखो बच्चों, सेकेंड सर्किट में जब ओमेगा बढ़ेगा, ठीक है, तो देखो 1/ωc की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और घटेगी यहां पे वैल्यू घटेगी तो क्या होगा, जो इसकी I2 है, तो I2 की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां पे करंट बच्चों I2 इंक्रीज कर जाएगी, बट बल्ब का जलना बुझना तो किससे डिपेंड करता है, I3 से, तो हम I3 को अब देखेंगे, ठीक है। I3 के लिए देखो फिर से, जब ओमेगा बढ़ेगा तो ओमेगा एल जो एक्सएल था इसकी वैल्यू बढ़ेगी, जब ओमेगा एल बढ़ेगा इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे करंट थी I3 बराबर क्या थी, Vrms/√ωL², ठीक है। जब ओमेगा एल बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो I3 है ये घटेगा, क्यों, अपान में वैल्यू बढ़ेगी तो आंसर घटेगा, इसका मतलब I3 डिक्रीज होगा। और जब I3 डिक्रीज हो जाएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बल्ब धीरे जलेगा, सो बल्ब B2 ग्लोज डिमर, सो बल्ब B2 ग्लोज डिमर, धीरे जलेगा। तो ये बात क्लियर होगी बच्चों कि जब ओमेगा बड़ा होगा तो ओमेगा एल बड़ा होगा तो जो करंट I3 की थी वो डिक्रीज कर जाएगी, क्यों, क्योंकि ये फार्मूले में बान में ओमेगा एल आता है ना, जब ओमेगा एल बड़ा है तो क्या हो गया बच्चों, ये ओमेगा एल बढ़ेगा तो ये पूरा वैल्यू बढ़ेगी, तो आंसर जो करंट का है वो कम हो जाएगा, इसका मतलब बल्ब को करंट कम मिलेगी तो वो डिम जलेगा। अब इसके बाद बच्चों लास्ट वाला जो केस आता है सी पार्ट की बात करते हैं, ए की बात कर ली हम लोगों ने, बी की बात कर ली, सी की। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब डीसी हो गया, जब ओमेगा जीरो हो गया थर्ड केस में तो डीसी की बात हो गई, ठीक।
अब उसके लिए बच्चों एक्सी तो कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। एक्सी कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। तो एक्सी तो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो यहां कोई करंट नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आई वन बराबर क्या था भाई, एक्सी इन्फिनिटी होने का मतलब समझ रहे हो कि वन अपान ओमेगा सी इन्फिनिटी हो गया। तो आई वन की वैल्यू आ जाएगी वी आर एम एस अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी का, यानी कि वन अपान ओमेगा सी का स्क्वायर। और बच्चों ये इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को जुड़ेगा तो वो भी इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी डिवाइड करोगे तो आंसर जीरो। तो आई वन में करंट जीरो हो जाएगी। तो बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब बी वन डज नॉट ग्लो, यानी कि जो बी वन बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, वो नहीं जलेगा, ठीक है, वो लाइट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी डीसी के केस में। अब बच्चों हम बात करते हैं बल्ब बी टू के लिए। तो देखो बच्चों, अब कहीं जगह तो दिखने नहीं, इधर कर दें रिमेनिंग पार्ट, इसमें कर देते इतने में आ जाएगा। देखो बच्चों, इफ ओमेगा बराबर जीरो देन आई टू विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि ये बात है, इसका जो एक्सी है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब वन अपान ओमेगा सी इनफाइनाइट। तो इसका जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी स्टेडी स्टेट में, ठीक है। बट अगर हम आई थ्री की बात करें तो आई थ्री क्या होता है, वी आर एम एस अपान आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। और बच्चों जब ओमेगा जीरो होगा तो यहां ध्यान रखिएगा कि ओमेगा एल भी जीरो होगा भाई। ओमेगा जीरो तो ओमेगा एल क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि भाई जब फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है ये एज ए कंडक्टर काम करता है। याद करो, क्वाइल एज ए कंडक्टर काम करती है डीसी सप्लाई की स्टेडी स्टेट के लिए, मतलब उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो जब इसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो सारी की सारी वैल्यू जो रेजिस्टेंस की है वो आर से मिलेगी, यानी कि आई थ्री सीधा सीधा आ जाएगा वी आर एम एस अपान आर, मतलब जो करंट है वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम हो जाएगा। देखो ये जीरो हुआ, आर स्क्वायर को जब हम रूट में लेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा। तो उस समय जो करंट होगी वो वी आर एम एस अपान आर आएगी। मतलब कुल मिला के देखो तो ये टर्म गायब हुआ, अपान वाली वैल्यू घटी है। तो अपान वाली वैल्यू जब कम हो गई क्योंकि जीरो हो गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। इसका मतलब आई इस कंडीशन में मैक्सिमम हो गई, इसमें जो भी फ्लो हो सकती थी। जब आई मैक्सिमम हो गई है इसका मतलब इस समय हम कह सकते हैं बल्ब ग्लोज ब्राइटेस्ट। तो जो बी टू बल्ब है वो कितना कैसा जलेगा, ब्राइटेस्ट, सबसे अच्छा जलेगा, सबसे ज्यादा लाइट देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब डीसी सोर्स को यूज करेंगे तो बी वन नहीं जलेगा और बी टू की जो ब्राइटनेस है वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो गया बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।